दोस्तों MIUI 10 की स्पेशल थीम वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त थीम जिसके अंदर आपको पूरा iOS वाला लुक देखने को मिलेगा आपके मोबाइल में, और साथ ही में मिल जाते हैं यहाँ पर स्पाइडरमैन के कूल वॉलपेपर। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज की अपडेट सबसे पहले। तो इस थीम में आपको नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह का दिखेगा। नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। यहाँ से जाते हैं गैलरी में, तो गैलरी में भी कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा है। जो चेंज आपको नज़र आएगा वो नज़र आएगा आपको सबसे ज़्यादा लॉक स्क्रीन पर, क्योंकि लॉक स्क्रीन इसकी काफ़ी शानदार है, काफ़ी कूल है। क्योंकि यहाँ पर स्पाइडरमैन का आपको एक दूसरा वॉलपेपर देखने को मिलेगा, जैसा कि होम स्क्रीन पर है वैसा नहीं, दूसरा मिलता है यहाँ पे। और यहाँ से आप लॉक स्क्रीन से ही कैमरा और टॉर्च को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में अगर आप नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं बॉटम की तरफ, तो आपको एक पूरा iOS वाला कंट्रोल पैनल नज़र आएगा जहाँ से आप ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में ही आपको म्यूजिक कंट्रोल करने का भी एक ऑप्शन दिखता है, और यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि हम जा सकते हैं सेटिंग में, तो सेटिंग में आप देख रहे होंगे आइकन बिल्कुल iOS वाले हैं, कलर्ड आइकन हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इसके आइकन हैं वो लाइव आइकन हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कैलेंडर, तो जो भी डेट है वो दिखा रहा है, करेंट डेट दिखाएगा आपको। और क्लॉक में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लॉक लाइव है। आपको पता होगा कि iOS 13 में डार्क मोड का सपोर्ट है, और इस थीम में आपको डार्क मोड देखने को नहीं मिल रहा है, नेटिव सपोर्ट इसमें नहीं है। पर अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड का ऑप्शन मिलता है, तो आप वहां से इसे इनेबल कर दीजिए। उसके बाद ये थीम बिल्कुल iOS 13 जैसा लुक आपको देगी। इस थीम को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ में ही आपको एक थीम एडिटर का लिंक भी मिलेगा। थीम स्वैप करके ये एडिटर है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ प्लस का एक टैप करना है, और जो थीम आपने डाउनलोड की है iosprotz उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये अनपैक करेगा उस थीम को, और आपको ऑप्शन देगा पैक करने का, तो आप पैक कर दीजिए, पैक वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए, तो ये पैक करने लगेगा। और एक बार थीम पैक हो जाती है तो फिर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा, आपको थीम ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए ये अप्लाई हो चुकी है। ये थीम मुझे काफ़ी कूल लगी है, चाहे लॉक स्क्रीन की बात हो या फिर आइकन की बात हो, हर मामले में ये थीम मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। आप बताइए कि आपको ये थीम कैसी लगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज लेके आता रहता हूँ। सो टेक केयर फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो।